दिल्ली मुंबई में बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे आज सुबह पहुंची आयकर विभाग की टीम 20 से 22 जगहों पर टीम का सर्वे इस समय भी चल रहा है। बीबीसी ऑफिस पहुंची आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर भेजा, बीबीसी ऑफिस को पूरी तरह से सील किया। वारंट के प्रश्न पर भड़क गए ऑफिसर। गेट खुलवा रहे हैं आप कब से? 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है। बीबीसी पर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी के आरोप, लंदन हेडक्वार्टर्स को दे दी गई है जानकारी। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, सच बोलने वालों पर हो रहा है हमला, चाहे वो मीडिया हाउस हो या एक्टिविस्ट। कांग्रेस ने बीबीसी पर कार्रवाई का विरोध किया, जयराम रमेश ने इसे अघोषित आपातकाल बताया। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, कलम का सर किया जा रहा है कलम। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीबीसी ऑफिस पर छापे से कहा कि देश का सर शर्म से झुक गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय, मोदी सरकार में जांच एजेंसियां पिंजरे का तोता नहीं रही। बीजेपी ने कहा, कोई भी एजेंसी चाहे वो मीडिया हो या मीडिया से जुड़ी हो, अगर वो भारत में काम कर रही है तो उसे भारत का कानून मानना होगा। बीजेपी ने जवाब दिया, इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर लगाया था बैन, गौरव भाटिया जमकर बरसे। गौरव भाटिया बोले, आयकर विभाग को अपना काम करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? गौरव भाटिया ने बीजेपी को बीबीसी को विश्व की सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी बताया। गौरव भाटिया बोले, बीबीसी का भारत के विरुद्ध बेहद काला इतिहास रहा, पत्रकारिता की आड़ में बीबीसी ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाया। गौरव भाटिया ने लगाया आरोप, आतंकी बुरहान वानी को बीबीसी ने बताया था करिश्माई युवा आतंकी। एसडीएम एसएचओ लेखपाल जेसीबी ड्राइवर समेत 23 पर केस दर्ज, 11 नामजद आरोपी जेसीबी ड्राइवर गिरफ्तार, लेखपाल हिरासत में, किया गया निलंबित। समाजवादी पार्टी ने मां बेटी की मौत को बनाया बड़ा मुद्दा, कानपुर जाएगा समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय दल, छावड़ा गांव में पीड़ितों से मुलाकात करेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को किया गया नजरबंद, घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पीड़ितों से मिलने कानपुर देहात जाने वाले थे वाजपेयी। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, योगी की बुलडोजर नीति ने दो जान ले ली, ब्राह्मण परिवारों को अब निशाना बना रहे हैं योगी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया, मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी। यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, कुछ राजनीतिक दल कानपुर की घटना पर सेक रहे हैं रोटी, समाजवादी पार्टी घटना का राजनीतिक लाभ लेने का कर रही है प्रयास। बोले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, यह घटना निंदनीय, दोषी ऑफिसर हो या पुलिसकर्मी, होगी सभी पर कड़ी कार्रवाई। इस मामले में मैंने स्वयं संज्ञान लेकर के कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, हम किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शेंगे नहीं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कानपुर की घटना को बताया दुखद, कांग्रेस और समाजवादी पर रोटी सेकने का लगाया आरोप। अडानी मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने किया अमित शाह पर पलटवार, बोले छिपाने लायक कुछ नहीं तो जेपीसी जांच से क्यों भाग रही है सरकार? कि जांच कराएं, और जांच अडानी की होनी चाहिए, और जेपीसी को कहिए कि जांच कराएं, और जांच अडानी की होनी चाहिए और जेपीसी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा, जब छिपाने लायक कुछ नहीं तो सदन में चर्चा, और जेपीसी जांच से क्यों बच रही है, भाग रही है सरकार?
अडानी के मुद्दे पर पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, इसीलिए मेरी टिप्पणी इस पर सही नहीं। अमित शाह बोले अडानी से जुड़े मामले में बीजेपी के पास छिपाने और डरने के योग्य कुछ भी नहीं है। सरकारी एजेंसी बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के विपक्षी आरोप पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, वो अदालत क्यों नहीं जाते। अमित शाह बोले पेगासस मुद्दे के समय भी विपक्ष को अदालत जाने की दी गई थी सलाह, लेकिन वो सिर्फ शोर करना जानते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी पर बोले अमित शाह, लोग 2002 से मोदी के पीछे पड़े हैं, लेकिन सत्य करोड़ों सूर्य की तरह होता है, वो चमक बिखेरते हुए बाहर आ ही जाता है। अमित शाह बोले पीएफआई कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा था, हमने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। रोड शो के लिए त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह, कहा त्रिपुरा में हमारा अब तक का सबसे अच्छा चुनाव परिणाम आएगा, हमारी सीटें बढ़ेंगी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, सरकार हम बने। अमित शाह बोले 2024 में हमसे किसी का कोई मुकाबला ही नहीं। नामकरण की राजनीति पर बोले अमित शाह, हमने एक भी शहर का नाम नहीं बदला जिसका पहले कोई पुराना नाम नहीं था, हमारी सरकारों ने वैधानिक फैसले लिए। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शेयर बाजार में निवेशकों का हित सुरक्षित रखने पर बहस, केंद्र सरकार कमेटी बनाने को तैयार, शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। असंसदीय टिप्पणी के लिए लोकसभा से नोटिस मिलने पर राहुल गांधी बोले, अडानी पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लोग चाहें तो कर सकते हैं गूगल। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने अपमान करने का लगाया आरोप, कहा उनके शब्द अपमान करने वाले लेकिन संसद की कार्यवाही से नहीं हटाए गए। राहुल का प्रयागराज दौरा रद्द, वाराणसी में उतरने नहीं दिया गया राहुल गांधी का विमान। संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल ने विश्वनाथन के परिजनों से मुलाकात की, विश्वनाथन ने मॉब लिंचिंग की पीड़ा की बात कर ली थी आत्महत्या। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी के बयान पर बवाल जारी, जैन मुनि लोकेश जी महाराज के समर्थन में अखिल भारतीय जैन सभा ने किया आयोजन। जैन सभा में लोकेश मुनि जी को किया गया सम्मानित, लोकेश जी बोले जैन होने के कारण मैं मदनी को करता हूं माफ, लेकिन सब कुछ इस्लाम से आया है, ये नहीं कर सकता बर्दाश्त। मदनी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का विवादित बयान, कहा बंटवारी के समय ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। सोच वाले लोग हैं जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की। जेडीयू ने अपने पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के बयान से झाड़ा पला, बलियावी ने कहा था आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना में होनी चाहिए 30% मुसलमानों की भर्ती। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, लिखा आज हम उन 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हुए, उम्मीद है उनके परिवारों को पुनर्वास सुविधा दे दी गई होंगी। पुलवामा हमले की बरसी पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा दिग्विजय की बुद्धि हुई फेल, बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा, सेना का कर रहे हैं अपमान। देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये देश की सेना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड के दौरे पर, मैनिफेस्टो करेंगे जारी, रैली को करेंगे संबोधित। चंदौली में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह की चर्चा, दो गरीब बेटियों की कराई अनिरुद्ध सिंह ने शादी, गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात निकली, पुलिसकर्मियों ने संभाला मेहमानों की खातिरदारी का मोर्चा। बिहार के औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने के मामले में नया मोड़, डीएम की सफाई, कोई कुर्सी ही नहीं फेंकी गई। मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छछवाट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई।
यूपी के देवरिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज में अनियमितता, जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के बाद प्रिंसिपल समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। तेलंगाना के कामारेड्डी में ग्राम पंचायत हारा 11,41,00,000 रुपए आया बिजली का बिल। मुंबई में सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में आग लगी, कोई नुकसान नहीं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर में बनाया गया पिंक परीक्षा केंद्र, छात्राओं में खुशी। गया में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 978 एकड़ में लगी अफीम की पूरी फसल को नष्ट। बिहार के आरा में पुलिस ने पूर्व मुखिया प्रत्याशी के ऊपर गोलीबारी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार जब्त।